हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये व्लॉग होने वाला है, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो हम जा रहे हैं सोलंग वैली। क्या देखने? आज देखनी हमने बर्फ़, देखते हैं कितनी बर्फ़ मिलती है हमें सोलंग वैली में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी जर्नी, मिलते हैं आगे आप। हाँ जी आवाज़। तो यहाँ पे है भुंतर एयरपोर्ट, तो पास में अभी लैंडिंग और टेक ऑफ होते रहते हैं यहाँ पे। तो चलो मिलते हैं आगे, करते हैं जर्नी शुरू। तो ये पहुँच गए जी मणिकरण चौक। यहाँ से लेफ्ट साइड से अब हम जा रहे हैं मनाली की तरफ। और ये हमने ज्वाइन कर लिया है जी 4 लेन जो आ रहा है चंडीगढ़ दिल्ली से। अब तो बहुत ही बढ़िया हाईवे बन गया, पहले तो सिंगल रोड होता था ये रोड। A few moments later. तो ये हम पहुंच गए जी कुल्लू। बस ये सामने आपको सारा कुल्लू का शहर नज़र आ रहा है। तो ये हम कुल्लू में एंटर हो रहे हैं क्योंकि मासी जी हैं जो मेरे, उनको भी हमें पिक करना है। आज हमने ज़रा छुट्टी ले ली है, थोड़ा सा काम था ऑफिस का उनका, तो वो कहते हैं कि हम भी साथ चलेंगे। मैंने कहा जी, तो ये थोड़ा सा अंदर जाके यहाँ पे लोग उनको पिक कर लेंगे। ये आ गया जी कुल्लू का गुरुद्वारा साहिब, और यहीं पे मासी जी ने बोला था कि मैं यहीं पे मिलूँगी। ये आ गए जी मासी मेरे, इनका काम था पीछे कहीं और ऑफिस में, तो ये कहते कि गुरुद्वारा साहिब आ जाओ वहाँ पे, और हम पहुँच गए। तो हो गई जी जर्नी अपनी कंटिन्यू, यहाँ से कुल्लू से आ गए मासी जी, बैठ गए हैं गाड़ी में। और ये है जी ओल्ड बाज़ार जो कुल्लू का, अब यहाँ से नहीं गाड़ियाँ जाती, अब तो 4 लेन बन गया ना, तो ये व्यू आपको बहुत ही कम नज़र आएगा क्योंकि जो भी अभी यहाँ से आ रहे हैं कुल्लू मनाली, तो वो तो 4 लेन से होके बाईपास निकल जाते हैं। तो ये है जी यहाँ पे ओल्ड बाज़ार कुल्लू का शहर, जो असली शहर है अंदर, और ये 1 वे ही है यहाँ से। स्नो पीक माउंटेन्स तो यहीं से नज़र आने शुरू हो गए हैं। बस यहाँ से थोड़ा अभी 20 किलोमीटर और है मनाली, और वहाँ से तो फिर और ही नज़ारा, देखते हैं वहाँ कैसा, कितनी बर्फ़ मिलती है। तो पहुँच गए जी मनाली, और बर्फ़ तो यहाँ पे इस बार ही वैसे भैया बता रहे हैं थोड़ी कम ही है, क्योंकि ये यहाँ देख रहे हो पहाड़ भी यहाँ पे भी खाली हैं, ऊपर ऊपर टॉप पे पड़ी हुई है। तो बाकी देखते हैं सोलंग वैली हमें कितनी बर्फ़ मिलती है। और ये आ गया जी मनाली का बाईपास, पुराना रास्ता था वो ये ऊपर को चला जाता है लेफ्ट साइड को, जा सकते हो वहाँ से भी, लेकिन फिर वहाँ पे आके गाड़ियाँ फंसती हैं आगे जाके। तो ये यहाँ पे पार्किंग वगैरह होगी, आगे जाके भी पार्किंग है, पार्किंग नीचे काफ़ी सफिशेंट है। ये आ गया जी आगे मोड़, वो नीचे गाड़ी आ रही है वहाँ से लेफ्ट होके, आप ऊपर हडिम्बा देवी जा सकते हो जो मेन ऊपर मनाली मॉल रोड वगैरह, और यहाँ से हम जाएंगे सीधा सोलंग वैली। और ये राइट साइड पे आप देख रहे हो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये भी पार्किंग है यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे भी लगा सकते हो आप गाड़ी। तो ये नज़र आ रहे हैं जी आगे
सोलंग वैली और जो बुरवा और अटल टनल वाली साइड के पहाड़ हैं वो, और कैमरा में तो ये दूर नज़र आ रहे हैं क्योंकि वाइड एंगल है। ये देखो, ये अच्छी बात हुई कि आज मौसम, मैंने देखा था वेदर तो मौसम साफ था, इसलिए मैंने आज सेलेक्ट किया था डे फ्राइडे को, और मौसम ने साथ दिया और सच में मौसम बिल्कुल बढ़िया है। से रह गया जी सोलंग वैली 3 किलोमीटर, और ये राइट साइड को जो रास्ता जा रहा है ये है रोहतांग पास की तरफ, ये वाला, और हम जा रहे हैं सीधा, और पहुंच गए जी, बस 3 किलोमीटर रह गया सोलंग वैली, और देखते हैं कहां पे जाके हमें बर्फ़ मिलती है। फिलहाल तो वैसे यहां पे कमी दिखाई दे रही है, अभी तो जो नीचे तक होती है बर्फ़ यहां पे। पहुंच गए जी हम सोलंग वैली, और हमारी गाड़ी जो है वो यहाँ पे, ये पार्किंग है, अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको अभी, इस साइड को गाड़ियाँ लगा रहे हैं और काफ़ी गाड़ियाँ हैं, वो देखो दूर दूर तक कितनी गाड़ियाँ हैं। और ये रोहतांग पास की जो पहाड़ियाँ वो नज़र आ रही हैं यहाँ से, चलो चलते हैं आगे, बाकी आगे निकल गए हैं। तो ये है सोलंग वैली, पर यहाँ पे बर्फ़ जो है बहुत ही कम है, बिल्कुल मतलब ख़त्म ही है। तो चलो कोई नहीं, चलते हैं आगे, वहाँ पे जाके बर्फ़ में कहीं देखते हैं कहाँ में अच्छी बर्फ़ मिलती है साफ़ सुथरी। तो ये आगे जी हम वहाँ से सोलंग वैली से पैदल जो रास्ता है, ऐसा रास्ता है कुछ, तो पैदल आए हम क्योंकि आगे तो बिल्कुल बहुत ही बेकार सी बर्फ़ थी, एकदम गंदी सी, तो ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे। यहाँ पे हमें पॉइंट मिला है, यहाँ पे तो इन्होंने तारे वगैरह लगा रखी है, लेकिन इधर है, तो चलते हैं आगे। यहाँ पे मिली हमें अच्छी बर्फ़ और बढ़िया एंजॉय कर रहे हो मम्मी डैडी, वहाँ पे जहाँ पे स्टार्टिंग में था ना चाय पानी और मैगी वगैरह मिलती है, तो उनको वहाँ बिठा दिया क्योंकि यहाँ पे फिर ज़्यादा फिसलन वगैरह थी, तो मैंने कहा वहाँ वेट करो हम आ रहे हैं। तो ये होगी यहाँ पे लड़ाई, अरे बाप रे, ओह माई गॉड, ननद और भाभी की लड़ाई होगी। चलो थक गए।
तो ये होगी लड़ाई इधर। हाँ जी मासी। हाँ जी, कैसा लगा फिर? मेरे को तो अच्छा लगा, आप बोलो कैसे लगा आपको? बस आपकी कृपा है, आपके साथ हमारी कृपा नहीं है, आपका है। आप आए कोशिश करके और क्या, अब लेके आए हैं। तो कैसे लगा फिर बाबा जी? अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा, बड़ी बड़ी अच्छा लगा भैया। चलो जी, ये अच्छा लगा है। तो ये है रास्ता जो हम आए थे यहाँ से जाते, आज जाते हुए तो मैंने दिखाया नहीं, और ऐसा कुछ था ये पाथ है। तो वैसे थोड़ा सा यहाँ पे ना स्टार्टिंग में बिल्कुल बड़ा गंदा सा था, तो लेकिन बर्फ़ ढूंढने के चक्कर में हम कहाँ कहाँ से निकल गए। और लेकिन आगे जाके तो मैंने आपको दिखाया ही है, वो बहुत ही बढ़िया था आगे। तो चलो अब है हमारी वापसी सोलंग वैली से। तो आ गए जी हम वापस और कर लिया बर्फ़ में इंजॉय, और मम्मी डैडी को यहाँ पे छोड़ा था और ये बैठे हुए वो वेट कर रहे मम्मी डैडी, क्योंकि आगे ज़्यादा फिसलन थी तो मैंने कहा रिस्क क्यों लेना, ऐसी पैर फिसल जाए या कुछ भी है, तो हम तो निकल गए थे। तो चलो ये इन्होंने घूमने आए हुए तो यहाँ पे ये चाय पानी का सेवन कर रहे थे, पर ठीक है यार ये भी था। अब क्या वहाँ पर थोड़ी ना फिसलन बहुत थी वहाँ पर वो वाले एरिए में, तो इसलिए मैंने फिर बोला मम्मी डैडी को, मैंने कहा आप यहाँ पे वेट करो। तो यार यहाँ से तो हम वापस जा रहे हैं सोलंग वैली से, और अब हम जा रहे हैं हडिम्बा मंदिर। और ये वीडियो में जो हडिम्बा मंदिर है वो मैं नेक्स्ट उसमें डालूँगा ब्लॉग में, तो दूसरा पार्ट में बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम ऐसे किसी और वीडियो में।